ये सर जी इतनी क्वालिटी और इतनी क्वांटिटी कोई दे दे तो हमारा ये चैलेंज है। संजीव भाजी ढाबा 50 साल पुराना मान लिया, सब्जियां बहुत अपने पास वो भी मान लिया, और भाजी ये खबर आपके लिए, आपसे ना लोग बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। जो नाराज चल रहे हैं सर जी? सर नाराज आपके जो भाई है ना और जलंधर में ढाबे वाले, वही नाराज चल रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं भाजी जो हम सामान बेचते हैं, जो थाली बेचते हैं 200 में, संजीव भाजी वही रेट विरासत ढाबा भाई आधे में दे रहे हैं। तो भाजी आधे में क्यों दे रहे हो आप? सर हमारा क्वालिटी बढ़िया है और खाने का टेस्ट भी बढ़िया होगा जी। पर भाजी क्वालिटी कैसे दे दोगे आधे रेट में, ये तो नहीं हो सकता। सर आप आओ चेक करो हमारी, एक बार दिखाओ सर, मैं पूरा चेक करूंगा अच्छे से। पहली आइटम फिर क्या है सर? ये येलो दाल है भाई, ये आ गई येलो दाल। वाह, ऊपर रोगन वोगन भी है, बढ़िया लग रही पाजी देखने में। बिल्कुल सर, ये पाजी पक्का आधे रेट में बाकी ढाबों से? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%। वाह जी वाह, ये लो जी। ये आ गए भाई राजमा, बहुत ही बढ़िया, एकदम घर जैसी लुक आ रही है। चित्रे राजमा भाई, ऊपर रोगन देख रहे हो, एकदम लाली आई हुई है। आलू मटर ये देखो, बैंगन का भरता, ये भाजी तंदूर च बनता है वाला? ये सर जी तंदूर दे विच भुन के जी। क्या बात है भाई, तंदूर के अंदर भुना हुआ भरता। ये आ गई जी कढ़ी, बहुत ही बढ़िया भाजी, क्वालिटी तो ठीक लग रही है यार। मेरे को देखने में लग नहीं रहा कि खाना सस्ता होगा, पर सस्ता बेच रहे हो आप? हाँ जी सर, बिल्कुल सस्ता जी। ये रे भाई आगे छोले, कमाल के पंजाबी छोले, वाह जी वाह। भाजी सब्जियां दिखा रहे हो आप, एक मेरे को और चीज सुनिए, कोई थाली है जो तहलका में जाती है आपकी? सर जी वो वीआईपी थाली है हमारी। वीआईपी थाली भाजी? वीआईपी थाली जी। भाजी खाने के लिए वीआईपी बनना पड़ेगा, आम लोगों को नहीं मिलेगी? नहीं नहीं सर जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, वो हमारे विरासत स्पेशल थाली है। क्या बात नाम है? का हमने वीआईपी थाली रखा हुआ है भाई, थाली का नाम है वीआईपी और विरासत स्पेशल है। भाजी सब्जियां खत्म होगी सारी? नहीं नहीं सर, अभी आलू गोभी आएगी जी। अभी भाई नाम सुन के ही ना मेरे को तो अंदर बहुत क्रेज आ गया कि भाई वीआईपी थाली में क्या होने वाला है। ये देखो भाई आप फिलहाल आलू गोभी, कमाल की आलू गोभी, बढ़िया। सुबह कितने बजे खोलते हो सर ढाबा आप? सर ये हमारा 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, रात के 11 बजे। और भाजी लगवा के क्या दे रहे हो आप? सर वही वीआईपी थाली लगाएंगे आपके लिए। क्या बात है जी, मतलब आज हमें भी वीआईपी बनाओगे आप? और एक हमारा पनीर स्पेशल है। ठीक है, वीआईपी पनीर है, वो आपको दिखाएंगे। एक भाजी तंदूर में मैंने सुना आप दाल लगाते हो, ये तंदूर में दाल कैसे लगती है वो दिखाओ पहले। वो सर जी तंदूरी दाल है हमारी। अच्छा, वो आपको जरूर दिखाएंगे। दिखाइए सर भाई, देख लो अंदर से तंदूरी है और तंदूर के ऊपर बनने वाली है यहाँ पर दाल। ये कितने सालों से सर बना रहे हो आप? ये सर हमको 50 साल से ऊपर हो गया जी। क्या बात है यार, 50 सालों से जलंधर में तंदूर के ऊपर दाल बनाई जा रही है और मैं भाई आज तक यहाँ पहुँचा ही नहीं। ये दाल के लिए सबसे पहले लहसुन की कलियाँ आ गई, बीच में घी आ गया, पर इससे फायदा क्या होता है दाल का? स्लो बनती है थोड़ा। कोले पे की भट्टी पे बनेगी ना, उसका ज्यादा टेस्ट होगा जी। क्या बात है जी, तो गैस और उस पर इतना टेस्ट नहीं आ सकता भाई जितना दाल का यहाँ पर आएगा। ये आगे भाई प्याज बीच में और तंदूर के ऊपर भाई जो स्मोक निकल रही है ना, इसकी जो खुशबू आ रही है वो डिफरेंट लेवल की। भाई ये आ गई सीधी बॉन मैरी से आई दाल वहाँ से और एकदम तंदूर के ऊपर तंदूरी दाल मखनी। यार ये चीज़ पहली बार देख रहा हूँ और टेक्सचर देखो दाल का, स्लो हीट की वजह से कैसे कुक हो रही है बढ़िया से। भाजी तैयार है दाल? बिल्कुल रेडी भाजी। भाई सेकंड्स के अंदर ही दाल बनके तैयार होगी और कितनी गाढ़ी लग रही है भाई ये चेक करो। संजीव भाजी दाल तो तैयार है। हाँ जी, अब एक पनीर की तारीफ करी थी, क्या नाम है पनीर का? पनीर सर जी वो दिलरुबा हमारा है। पनीर दिलरुबा स्पेशल। क्या बात है, मतलब वीआईपी पनीर भी है भाई दिलरुबा वाला, बड़े दिल वाले खाते होंगे फिर तो इसको सर। या दिलरुबा नाम कैसे पड़ा इसका? ये सर हम दिल से बना के खिलाते हैं इसलिए इसका नाम भी दिलरुबा रख दिया। क्या बात है यार, दिल से खिला रहे हैं भैया और दिलरुबा नाम है। तो भैया वो भी दिखाओ, वो भी मैंने सुना बहुत स्पेशल है। ठीक है सर। ये पैन के अंदर आ गया बटर और भाजी नीचे ये क्या चीज है, ये मेरे को बड़ी देखी नहीं कहीं ढाबे पे। ये सर जी ये भट्टी है, कोयले की भट्टी। भाई ये कोयले की भट्टी है, पक्का कोयला? हाँ पक्के कोयले की, उसी के पे हम रेडी कर रहे हैं। क्या बात है जी, पक्के कोयले की भट्टी, मतलब ये भी स्लो कुक होने वाला है। ये चीजें भाई अगर नाम विरासत है ढाबे का तो असली जो विरासत है ढाबों की भाजी साम भी हुई है आपने अभी तक? हाँ जी सर जी बिल्कुल। भाई ये बनने जा रहा है पनीर दिलरुबा, ये पहले आ गई ग्रेवी। भाई ये पनीर चेक करो, पनीर के अंदर पनीर स्टफ किया हुआ है और फ्राई किया हुआ है पनीर बहुत बढ़िया से। वाह ये आगे जी स्टफ किया हुआ पनीर और जो लुक है ना आप देखो एक बार, बड़ी कमाल की है। तो यार आज भी यहाँ पे भट्टी पे सामान बनाया जाता है और मैंने भाजी आपके जैसे जैसे आप यंग हो, किसी यंग ढाबे वाले को इतने भट्टी पे काम करते नहीं देखा। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये क्या आ रहा भाजी? ये फ्रूट कॉकटेल है सर। भाई सब्जी के अंदर फ्रूट्स भी आ गए, फ्रूट कॉकटेल है। दिलरुबा जो है पूरा पार्लर में तैयार हो रही है। ये भाजी दिलबर आया इसका? हाँ जी बिल्कुल जी।
ये आ गई भाई अमूल करीम दिलरुबा का दिलबर। कुछ भी भाई ये आ गया काजू पिसा हुआ, ड्राई फ्रूट्स भी आ गए ऊपर। लो सर जी पनीर दिलरुबा रेडी जी। क्या बात है जी, पनीर दिलरुबा भी तैयार हो गई है। अब आपको दिखाते भाजी वो थाली जो जिसके लिए ढाबे वाले बहुत परेशान है। ठीक है जी बिल्कुल जी। तो संजीव भाजी सारा कुछ बना लिया, अब थाली तो दिखाओ जिसके लिए लोग परेशानी में की भाई इतनी सस्ती कैसे। ए सर जी वीआईपी थाली है जी, ये 120 की जो है। वाह 120 रुपए प्राइस है भाजी। हाँ जी सर। तो दाल के बाद आ गया भाई पनीर क्या नाम था भाजी इसका, पनीर दिलरुबा सर। पनीर दिलरुबा क्या बात है यार, पनीर दिलरुबा आ गई, दाल आ गई, ये आ गई भाई आलू गोभी। भाई अब लुक चेक करो 120 रुपए में तीन तीन सब्जियां। सर और क्या आएगा सर इसमें, और चावल आ जाएगा जी भाई, ये आगे राइस और साथ में सलाद भी आएगा भाजी। हाँ जी सर। भाई थाली की लोडिंग चेक करो, पक्का 120 भाजी। बिल्कुल सर 120 रुपए जी। 120 रुपये ना भाजी, डॉलर तो नहीं। नहीं 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 सर बिल्कुल बिल्कुल 120 रुपए भाई, 120 रुपए में ये। और चपाती तो दिखाओ भाजी। चपाती आ गई सर। ये आ गई भाई बढ़िया घी वाली दो तंदूरी रोटी, और लुक चेक करो फाइनल क्या है। तो भाई सीन ऐसा है 120 रुपए में ना देख लो, एक दो तीन सब्जियां, साथ में ये राइस, राइस की जगह पुलाव भी मिल जाएगा, दही भी मिल जाएगा, मर्जी आपकी। मेरे को ना अभी भी गिमिक सा ही लग रहा है कि भाई कैसे पॉसिबल है, ढाबे पे लाइव बना सामान सब कुछ हुआ। तो पाजी समझ रहे हैं पब्लिक को कंट्रोल, पाजी को पता नहीं पब्लिक है सब जानती है। तो भाई मैं देखने वाला हूँ क्वालिटी कैसी है, ऊपर घी भी लगा हुआ, देखने में तो फूड अच्छा ही लग रहा है। देखो पहले क्या होता है, पहले खाती है आंखें फिर खाता पेट, आंखों को तो आ गया भाई खाना पसंद। अब पेट को चेक कराते हैं, ठीक है पेट भाई। ये है भाई पनीर दिलरुबा, जिस मेरे भाई की दिलरुबा हो नाराज उसको यहाँ पे लाओ पनीर खिलाओ, टेस्ट देख के बताता हूँ, या तो बहुत नाराज होगी कि भाई ये क्या खिला रहे हो, या कहेगी ओह आई लव यू आ गए हो। ये है भाई पनीर दिलरुबा। ओहो दिलरुबा में दिलबर बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, एकदम बड़ा साइज का पनीर है, और पनीर के अंदर पनीर भरा हुआ है। ये देखो भाई कटिंग सी होगी, ये लेते हैं एक बाइट, मैसी सा हो गया काम। वो वाला हिसाब है, पास से दिखाता हूँ, पास से देखो, एकदम ना थिक ग्रेवी वाला पनीर है, मोटा पनीर का स्लाइस है, बड़ी हैवी सब्जी है, और भट्टी पे बनी है, स्लो कुकिंग में ना एक स्मोकी सा टेक्सचर आ रहा है, अच्छा टेस्ट है। अब भाई बात ऐसी है, अगर आप रेगुलर पनीर बटर मसाला शाही पनीर कढ़ाई पनीर खा के हो गए बोर, तो ये आइटम लगवाना है, डिफरेंट आइटम है। अब आ गया हो दाल पे, दाल जो कर देगी कमाल, और ऊपर से भाई तंदूरी दाल भाई, देखा था तंदूर पे बनी हुई हुए, तंदूर पे धीमे धीमे सेक पे, मीठी मीठी आँच पे, प्यार से जैसे आप फ़ोन पे बनाते हो ना यार गलती हो गई बस, वैसा प्यार से बनाई गई दाल है। ये देखो एकदम बढ़िया टेक्सचर वाली दाल, ओहो ज़्यादातर फैंसी रेस्टोरेंट्स में ना क्रीम व्रीम डाल के मीठी सी दाल कर देते हैं, पर ये दाल वैसी है कि अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है ना, करारी इन्नी कोई हुए बस ऐदा ही कर दे जाओगे, पूरी करारी दाल है, फुल फन दाल। अब आ गया हो भाई आलू गोभी, मिक्स वेज भी बनी होती है, आलू गोभी भी होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, चेंज होता रहता सामान। इसकी जगह भाई अगर मिक्स वेज बनी हो ना तो वो ले लेना, चाहे भरता लेना, मेरे को पर्सनली वैसी कमाल नहीं लगी आलू गोभी, घर पे बेटर स्वाद आ जाता है, पर ये दोनों ओए होए वो वाला हिसाब है। यहाँ पे नॉन वेज और वेज इकट्ठा है, एक ही ढाबा है, तो अगर तो प्योर वेजिटेरियन और मन में ख्याल रहता है कि भाई कहीं मिक्स ना हुआ हो, तो आप ना ट्राई करना, अगर तो हो भाई दोनों चीज़ें खा लेते हो या वहम नहीं करते फिर भाई। ये देखो ना ओए होए इसका मज़ा ज़रूर लेना आके, एकदम बढ़िया फ्राई किया हुआ पनीर नज़ारेदार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो शेयर कर लो दोस्तों के साथ, और बाकी भाई लोकेशन मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं अगले वीडियो में।